हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा JIIEI अर्थात शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार की तरफ से आपको हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को बोलना तथा लिखना सिखाऊंगा। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर ई को बोलना तथा लिखना सीखेंगे। इस ई को छोटी ई के नाम से भी जानते हैं। तो चलो बच्चों, हम ई का उच्चारण सीखते हैं। इस ई को जल्दी से बोलना होता है। चलिए मेरे साथ बोलिए ई। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोलते हैं ई। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम ई के लिखने के तरीकों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ई कैसे बनाया जाता है। एक छोटी डंडी, फिर एक आधा गोला, फिर एक आधा गोला उसके उल्टे, फिर एक डंडी, फिर ऊपर एक और डंडी। इस तरह हमारा ई बन गया। तो बच्चों, आपके पास कॉपी और पेंसिल जरूर होगी, तो चलिए आप लोग मेरे साथ कॉपी पर ई लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ई लिखने के लिए सबसे पहले एक डंडी, फिर ऐसे एक आधा गोला, फिर उसी गोले से का उल्टा एक और आधा गोला, और फिर उसको मोड़ के एक डंडी लगा देते हैं और ऊपर एक और डंडी लगा देते हैं। बन गया हमारा ई। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक डंडी छोटी, फिर एक आधा गोला, फिर एक और आधा गोला, फिर इस तरह मोड़ के एक डंडी खींच देते हैं और ऊपर एक और डंडी लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, हमारा ई बन गया। तो चलो बच्चों, अब हम ई से बनने वाले शब्दों की पहचान कर उसे बोलने का अभ्यास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ई से इनाम, ई से इनाम, ई से इमली, ई से इमली, ई से इडली, ई से इडली, ई से इमारत, ई से इमारत। बच्चों, अब हम ई की मात्रा को पहचानना तथा उससे बने शब्दों को पहचानते हुए बोलना सीखेंगे। ये तो हमारा ई है, छोटी ई, और ये इसकी मात्रा है। इस प्रकार हम ई मात्रा का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा ई है और ई की मात्रा ऐसे बनती है। तो बच्चों, अब हम ई की मात्रा से बने शब्दों की पहचान करते हुए उसको बोलना सीखेंगे। सिद्धा में छोटी ई लग गया तो बन गया दी, तो दी से बन गया दिन। इसी प्रकार का में छोटी लग गई तो बन गया की, और की से बन गया किला। इसी प्रकार का में छोटी लग गई तो की बन गया, और म में छोटी लग गई तो मी बन गया। की और मी का शब्द में प्रयोग होता है किशमिश। का में छोटी की और म में छोटी मी, किशमिश। तो चलिए बच्चों, अब हम छोटी से बनने वाले कुछ और शब्द को देख लेते हैं। जैसे कविता, नारियल, कवि, दिल, सिर पिता। तो बच्चों, आज हमने स्वर ई को बोलना, लिखना तथा ई और उसकी मात्रा का प्रयोग से बनने वाले शब्दों की पहचान करते हुए उन शब्दों को बोलना सीखा। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको स्वर ई को सीखने में जरूर मजा आया होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से JIIEI का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक की मदद से वर्कशीट तथा अन्य सामग्री को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।